हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। कुशल मंगल रहना भी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए हर समय हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए अपने करियर की तैयारी। जैसा कि हम आपके लिए लगातार सीटेट की क्लास ला रहे हैं, एक से एक शानदार क्लास ला रहे हैं। आज भी क्लास शानदार ही होने वाली है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे जो टैग वर्ड होते हैं, आप चुटकी में क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लोगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं, तो आज हम ये बताएंगे कि पॉजिटिव वर्ड कैसे होते हैं, नेगेटिव वर्ड कैसे होते हैं, NCERT 2005 के बारे में बताएंगे। फिर हम आपको 15 से 20 क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व कराएंगे कि भाई अगर आपको छोटी सी बात अगर ये याद है, इससे ही आप एग्जाम को पूरा सॉल्व कर दोगे, बशर्त इन टैग वर्ड को आप याद रखना, ठीक है ना। तो पहले तो मैं NCERT 2005 के बारे में आपके लिए पढ़ाता हूँ, उसके बाद टैग वर्ड की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं साथियों। तो देखो, पहला कह रहा है वो NCERT मतलब राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शिका सिद्धांत। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, चार पांच बातों को देख लेते हैं। पहला देखो, यही आपको सॉल्व करा देंगे। कह रहा है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, मतलब नॉलेज शुड बी लिंक टू बी आउटडोर लाइफ ऑफ द स्कूल, मतलब बाहरी जीवन से। ये शब्द अगर कहीं आता है तो ये सकारात्मक होगा, ध्यान रखना, ये NCERT 2005 में लिखा है। नेक्स्ट कह रहा है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करिए, मतलब रटिए मत पढ़ाई को, रटंत प्रणाली से क्या करिए, मुक्त करिए, रटने वाली नहीं, समझ होनी चाहिए। कह रहा है पाठ्य चर्चा पाठ्यक्रम पर केंद्रित, मतलब पुस्तक जो पाठ्य चर्चा है वो पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बाल केंद्रित होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न पाठ्यक्रम की गतिविधियों से जोड़ा जाए, बिल्कुल, और भी सारे पाठ्यक्रम की गतिविधियों से जोड़ो, ये NCERT 2005 में दे रखा है और ये आप देख रहे होंगे सब सकारात्मक वर्ड हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार कीजिए, बिल्कुल। तो आस्थावान ये पॉजिटिव वर्ड है। तो अब इसके साथ मैं आपको टैग वर्ड बताता हूँ कौन से नेगेटिव है, जो अगर कहीं आते हैं तो आपको आंसर को हटा देना है, और जहाँ पॉजिटिव आते हैं वहाँ आपको आंसर लगा देना है। तो देखो, ये वर्ड आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, एक तरफ आपको दिख रहे हैं नेगेटिव वर्ड साथियों, एक तरफ आपको दिख रहे हैं पॉजिटिव वर्ड। तो अपने आंसर में आपको पॉजिटिव वर्ड पर फोकस करना है, नेगेटिव वर्ड पर फोकस ज़्यादा नहीं करना। अगर कहीं आपको केवल आता है तो ये सकारात्मक नहीं होगा, मात्र आता है तो ये सकारात्मक नहीं होगा, सिर्फ आता है तो भी नहीं, और ही आता है या ओनली आता है तो आंख बंद करके ध्यान रखना ये नकारात्मक वर्ड है। क्या है, नकारात्मक वर्ड है। वहीं रटना शब्द आता है, याद करना शब्द आता है, कंठस्थ करना शब्द आता है, समझ रहे हैं ना, रोड शब्द आता है, तो सोच लो ये नेगेटिव वर्ड है, आपको वहाँ आंसर नहीं लगाना। दंड देना किसी को, सजा देना, समस्या, बोझ, हतोत्साह जिसे डिस्करेज कहते हैं, ये शब्द भी आते हैं ना, देखना इनसे चुटकी में सॉल्व कराऊंगा आपको मैं, बशर्त आप बस फोकस करिए और अपने फ्रेंडों पर इसको क्या करिए, शेयर करिए क्लास को, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए पाठ्यक्रम, शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, तो ये भी गलत है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। फिर पॉजिटिव वर्ड क्या होनी चाहिए, देखो पॉजिटिव वर्ड में कह रहा है सर्वांगीण विकास कहीं आता है, तो ये पॉजिटिव वर्ड है, सकारात्मक वर्ड है, आपको यहाँ निशान लगाना है। करके सीखना बिल्कुल अच्छा वर्ड है, हस्तपरक अनुभव ये बहुत अच्छा वर्ड है, सम्मान कहीं आता है ये अच्छा है, लगाव, प्रोत्साहन करना और जिज्ञासा, साथियों ये सब वर्ड पॉजिटिव है, ये अपने आंसर में आप ढूंढ करके लगा के आओगे अगर विकास की बात करता है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित तो होना चाहिए, इस वर्ड को भी आप याद रखिए। इसके साथ साथ साथियों और नेगेटिव में क्या कह रहा है, जो कहीं खाली प्लेट लिखा है, खाली स्लेट लिखा है, ये गलत, कोरी पट्टियाँ ये गलत, लैंगिक असमानता ये भी नेगेटिव वर्ड है। कह रहा बच्चों के विचार नेगेटिव वर्ड, मातृभाषा नेगेटिव वर्ड, त्रुटियों को महत्व ना देना ये भी नेगेटिव वर्ड है। निष्क्रिय शब्द आता है ध्यान रखना, नेगेटिव वर्ड है। आप कहीं रोजगार आता है, व्यवसायिक आता है, उच्च आता है, ग्रेड की शिक्षा आती है, कहीं तकनीकी आती है, वैज्ञानिक शब्दावली आती है, सीमित आती है, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं, ध्यान रखना नेगेटिव वर्ड हैं। अपने आंसर लगाते समय ये वर्ड आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखो कहीं व्याख्या भी आती है ना, क्या व्याख्या भी आती है, तो इसे भी ध्यान रखना, ये भी नेगेटिव वर्ड में जाएगा। फिर पॉजिटिव में और देख लेते हैं। कह रहा है व्यवहारिक कुशलता पॉजिटिव वर्ड है, आंसर लगाओगे। कह रहा है वास्तविकता पॉजिटिव वर्ड है, दैनिक जीवन से जोड़ना ये पॉजिटिव वर्ड है, लोकतांत्रिक पॉजिटिव वर्ड है, प्रजातांत्रिक वातावरण पॉजिटिव वर्ड है, समावेशी कक्षा की बात करें, शिक्षा की बात करें, है ना, तो पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत आते हैं। कह रहा संसाधन की बात करें तो पॉजिटिव, विभिन्न संदर्भों में भाषा की व्यवस्था तो ये संदर्भ पॉजिटिव, विभिन्न और विविध गतिविधियां ये भी क्या होंगे, पॉजिटिव वर्ड होंगे। तो देखो अब इनका यूज देखते हैं, चुटकी में आप सॉल्व करोगे, चुटकी में। कह रहा निम्न में से कौन सा बच्चों में अधिगम मतलब लर्निंग में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। कह रहा शिक्षक को वास्तविक, देखो वास्तविक पॉजिटिव है या नहीं है,
वास्तविक बर्ड हमने बताई थी आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कि देखो ये वास्तविक कहीं अगर लिखा होगा देखो ये रहा तो ये पॉजिटिव बर्ड होगा आंसर की ओर जाएगा, तो इसका मतलब तो ये हमारा आंसर तो होगा। फिर कह रहा है नियमित मूल्यांकन करके परीक्षा आयोजित कराना, तो ध्यान रखना परीक्षा आयोजित करने की बात आए तो ये नेगेटिव बर्ड होगा। फिर यहाँ कह रहा है शिक्षकों को विभिन्न उदाहरण और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या, देखो अभी आगे व्याख्या शब्द आए नेगेटिव हो जाएगा। कह रहा कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण की सामग्री होनी चाहिए, सभी प्रकार शब्द आता है साथियों तो ये भी नेगेटिव हो जाता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा एक चुटकी में हो गया, वास्तविक शब्द आता है पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो अगला सवाल देखिए, कह रहा संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, मतलब इन्हें कंस्ट्रक्टिव फ्रेम लर्निंग इज, कह रहा अनुभव के प्रमाण के रूप में व्यवहारिक में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, तो अनुभव का प्रमाण ये नहीं होगा। कह रहा एक सक्रिय, देखो जहां सक्रिय शब्द आ जाए, हमने पढ़ाई थी सक्रिय शब्द आ जाए वो निश्चित रूप से आंसर हो जाएगा, निष्क्रिय शब्द वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। ज्ञान अर्जन करना, जानकारी अर्जन करने की प्रक्रिया ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों सेकंड हो जाएगा सक्रिय शब्द, हमने पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत आपको बताया था। देखो बिना सोचे समझे आंसर लगेंगे। अब आगे देखिए कह रहा किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना है, बिल्कुल। कह रहा रटकर शब्द आने से ही ये गलत हो जाएगा। कह रहा दंड दे करके, तो देखो दंड दे करके कितनी जल्दी से बिना सोचे समझे ही आपके आंसर लग रहे हैं ये देख लो। कह रहा ऐसे काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में अच्छे परिणाम या अंक आ सकें, तो परीक्षा के अंक वाली बात कहीं आए, अंत वाली बात कहीं आए, नेगेटिव वर्ड के अंतर्गत आएगा। फिर कह रहा सीखने के लिए, सीखने शब्द पॉजिटिव है, जिससे जिज्ञासा बने, जिज्ञासा शब्द पॉजिटिव है, ठीक है ना, और करके सीखना ये भी पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों फोर्थ हो जाएगा। देखो चुटकी में आंसर सॉल्व हो रहे या नहीं हो रहे। नेक्स्ट देखिए कह रहा किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध करवाकर अधिगम को सुगम बनाता है जो क्या होगा नियामक होगा, बिल्कुल नहीं, नियम के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं। समावेशन को हतोत्साहित करके, तो हतोत्साहित शब्द नहीं हो सकता। आवृत्ति को बढ़ावा देना, देखो ये भी नेगेटिव वर्ड हो गया। खोज को प्रोत्साहन, बच्चों की खोज को प्रोत्साहन देने वाला वर्ड हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट देखिए कह रहा निम्न में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो पॉजिटिव होना चाहिए। कह रहा कक्षा का प्रजातांत्रिक, तो जहाँ लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक बात आती है वही उसका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। कह रहा यहाँ कोई भी सहभागिता नहीं होगी तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा कक्षा का नियंत्रण, तो नियंत्रण शब्द आता है ये भी गलत हो जाता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक अच्छा विद्यालय वह है, कौन सा विद्यालय अच्छा हुआ, कह रहा जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, बिल्कुल नहीं, कड़ी शब्द आ गया और प्रतियोगिता आ गया, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, वह बिना एक दूसरे के बिना सहयोग में व्यक्तित्व रूप से विमला खुद अपने लिए देखे, ये भी गलत हो जाएगा, सहयोग की भावना होनी चाहिए। कह रहा जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे, कक्षा में वातावरण को प्रगतिशील और प्रेरणास्पद, ये दोनों ही शब्द पॉजिटिव हैं, इसीलिए तीसरा आंसर हो जाएगा। कह रहा है जो आदर्श उत्तरों को याद करे, याद करने वाला शब्द, याद करने पर आप जोर दे रहे हो, नेगेटिव सेंस है, तो इसका आंसर तीन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट देखिए कह रहा विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम समावेशकों से सीखना, तो कह रहा सक्रिय रूप से निरुत्साहित, तो देखो ये निरुत्साहित ही क्या हो गया, गलत हो गया। प्रतियोगी को बढ़ावा देना, प्रतियोगिता, ये मैंने कही थी प्रतियोगिता शब्द पर जोर देना, ये भी गलत हो जाएगा। केवल शब्द आ गया, यहीं से गलत हो गया। सक्रिय रूप से प्रोत्साहन, देखो सक्रिय और प्रोत्साहन दोनों ही पॉजिटिव वर्ड है, तीसरा आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये कार्यान्वित नहीं कहना ही क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला देखते हैं, तो आप देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। कह रहा विज्ञान में मूल्यांकन, कह रहा पूर्णतः वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, पूर्णतः परीक्षण की तो बात ही नहीं करता। कह रहा विद्यालय विद्यार्थियों के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए, अंत मैंने कही थी, ये गड़बड़ हो जाएगा। कह रहा सभी क्रियाकलापों का एकीकृत, यहाँ एकीकृत सहयोग की भावना आ गई, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, केवल वाला आंसर हो नहीं सकता, इसीलिए फोर्थ आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। अब आप बताइए कितने चुटकी से सवाल सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को करना चाहिए के सभी प्रतिभागियों की सहभागिता, देखो सहभागिता शब्द पॉजिटिव, सहयोग शब्द पॉजिटिव, तो आंसर तो यही हो गया। अब अगले क्यों नहीं होंगे, करा सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो, अलग अलग की भावना बिल्कुल गलत। उनके अंकों के, देखो अंकों के अनुसार मूल्यांकन नहीं होगा कभी भी,
ये गलत हो जाएगा। और देखो अगले में केवल कह रहा है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा साथियों, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दसवां क्वेश्चन, देखो कितनी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बस ये आप टैग वर्ड याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। कह रहा बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं उनके माध्यम से तो नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक रटवाकर पर्यावरण अच्छा नहीं कर सकते, व्यवहारिक में ढालना पड़ेगा आपको। कह रहा बच्चों में जिज्ञासा करनी पड़ेगी और सृजनात्मक करना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल सही है। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता, देखो ये शब्द कितना अच्छा है, बच्चों को स्वयं अपने हाथों से काम खुद से करवाना, खोजने की प्रक्रिया, ये तीनों तो होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसका वन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वन क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्न में से किसको प्रस्तावित नहीं करती, नहीं करती ये पूछ रहा है। तो ऐसा विषयानुसार उपागम होना चाहिए, ये तो सही है, करती है। बच्चों के अनुभवों और संदर्भों को जोड़ना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। हस्तपरक लिख ही रखा है, पॉजिटिव भी सेंस है। नेक्स्ट कह रहा तकनीकी शब्दावली से परिचित करना, ये नहीं होना चाहिए, इसके बारे में कहीं बात नहीं, इसीलिए चार इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती, किसका नहीं करती है। कह रहा बच्चों के खोज करने के लिए इसका तो करती है, बच्चों कम गलतियां करें नहीं, वो कहती है खूब गलतियां करिए, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। बच्चों को करके सीखने की इसकी तो बोलती है, बच्चों को बहुत प्रश्न पूछने, ये भी सही है, तो दो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गणित केवल, तो केवल शब्द आ गया, ये तो होगा ही नहीं। गणित सीखने के लिए कठिन शब्द आ गया, ये भी नहीं होगा। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, देखो कमजोर शब्द भी अपने आप में नेगेटिव है, ये गलत हो गया। कह रहा हर कोई गणित सीख सकता है, बिल्कुल हर कोई गणित सीख सकता है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषताएं नहीं है, ये जरूर पढ़ा करो, पूछ रहा है या नहीं है ये, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में ये क्वेश्चन साथियों गलत हो जाते हैं। कह रहा प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो होना चाहिए, वो कह रहा है नहीं, तो ये तो होना चाहिए, ये तो आंसर होगा नहीं। कह रहा एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगम करना, ये भी पॉजिटिव बातें हैं। कह रहा एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, तो वो ये कठोरता शब्द आ गया, यही नेगेटिव होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। कह रहा छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, ये भी नहीं होगा, थर्ड इसका क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा 15वां आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से व्याकरण समस्त भाषा लिखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, फिर कह रहा लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, कह रहा भाषा को विविध संदर्भ में प्रयोग करने की जानकारी, सबसे पॉजिटिव यही है, आपको बार बार किताब और अलग अलग की किताब पढ़ने से विविध जानकारियाँ मिल जाती हैं, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, कह रहा वो बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता दे दोगे, उत्सुकता ही अपने आप में क्या है, पॉजिटिव सेंस है अच्छा काम करने के लिए, तो यही ये आंसर हो जाएगा। कह रहा वो बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं है। बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए, ये भी नहीं है, बार बार कह रहा हर बच्चों में केवल, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, क्लास अच्छी लगती है तो कम से कम 10 अपने फ्रेंडों पर इस क्लास को शेयर किया करिए, चैनल बढ़ाने में अपना सहयोग करिए, आप अगर सहयोग करेंगे तो हम अच्छे अच्छे क्लास लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, अलविदा साथियों, फिर मिलते हैं शानदार क्लास के साथ।